टॉप थ्री बेस्ट 5G स्मार्टफोन अंडर 10,000 इन जनवरी 2024। तो दोस्तों, आपको अगर चाहिए 10,000 के अंदर एक बेस्ट 5G स्मार्टफोन तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। यहाँ पे मैंने चूज किया इंडिया के थ्री बेस्ट 5G स्मार्टफोन जो मिलने वाला है सिर्फ 10,000 के अंदर। तो कौन कौन सी वो डिवाइस, क्या क्या फीचर मिलेगा, सब कुछ डिटेल्स में जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहना और आप अगर मेरे चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो और भी देखने के लिए। तो दोस्तों, इस लिस्ट की जो सबसे प्यारी डिवाइस आता है पोको की तरफ से न्यूली अनाउंस डिवाइस पोको M6 5G। तो एक एक करके इसकी सभी डिटेल्स जान लेते हैं। बात करें डिस्प्ले की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.74 इंचेस का HD प्लस डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 600 नीट पिक ब्राइटनेस मिल जाएगा, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा। तो डिस्प्ले प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा है। बात करें परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला MediaTek Dimensity 6100 प्लस चिपसेट जो 6nm पे बेस है और ये 5G चिपसेट है। और पे बात करें रैम रोम की तो यहाँ पे 4GB रैम 128GB रोम मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में तो यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होगा, उसके साथ साथ एक 0.08MP का एक कैमरा भी मिल जाएगा। तो मेन कैमरा से आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं पे बात करें सेल्फी कैमरा की तो यहाँ पे आपको 5 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा मिल जाएगा, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। बात करें सिक्योरिटी की तो यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा विथ 18W चार्जिंग, तो चार्जिंग भी ठीक ठाक सा है। और दोस्तों, इस मोबाइल की पर्सनली मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी इसकी कलर, यहाँ पे आपको दो कलर वेरिएंट मिलेगा, एक तो होगा गैलेक्टिक ब्लैक और ओरिएंट ब्लू। मुझे जो ओरिएंट ब्लू वो काफी अच्छा लगा लुक वाइज। और दोस्तों, इस डिवाइस पे एंड्रॉइड 13 रन होगा, MIUI 14 चलेगा। तो दोस्तों, ये तो इसकी सभी फीचर। अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में तो इसकी जो 4GB 128GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस 10,500 है। और दोस्तों, पे आपको 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसकी वजह से इसकी जो प्राइस पॉइंट 9,500 हो चुका है। और इस प्राइस पॉइंट पे ये एक काफी अच्छा सा एक 5G डिवाइस है। तो आप अगर लेना चाहते हो 10,000 के अंदर एक 5G डिवाइस तो इस डिवाइस को जरूर ले सकते हो। इस प्राइस पॉइंट पे काफी सारे डिवाइस है, ये उनमें से काफी अच्छी फीचर आपको प्रोवाइड करता है। और दोस्तों, आपको अगर पसंद है सैमसंग की डिवाइस तो आप इसकी से जा सकते हो। ये है सैमसंग की सैमसंग गैलेक्सी A14 5G जो 10,000 के अंदर मिलता है। तो एक एक करके इसके भी सभी फीचर को जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.6 इंचेस का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। वहीं पे बात करें कैमरा की तो आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा भी मिल जाएगा, जहाँ पे आप मेन कैमरा से 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं पे बात करें सेल्फी कैमरा की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 13 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा, जहाँ से आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों, बात करें इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला Exynos 1330 5G चिपसेट जो 5nm पे बेस है, एक काफी पावरफुल सा एक चिपसेट है। और दोस्तों, रैम रोम में यहाँ पे आपको बेस वेरिएंट पे 4GB रैम 128GB रोम मिलेगा, अदर और एक वेरिएंट है जब आपको 6GB रैम 128GB रोम मिल जाएगा। और दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6000mAh का लार्ज बैटरी, जहाँ पे आपको 25W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा। पर आपको इस मोबाइल की सब एडाप्टर नहीं मिलेगा, सिर्फ डाटा केबल ही मिलेगा, जो मुझे थोड़ा सा बेकार लगता है सैमसंग की मोबाइल की साथ। और दोस्तों, इस डिवाइस पे सिक्योरिटी पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की जो सपोर्ट है वो भी दिया गया है। वहीं पे बात करें OS की तो यहाँ पे आपको Android 13 रन मिलेगा, उसके साथ साथ OneUI Core 5.0 वर्जन होगा इसकी OS का। और दोस्तों, इस लिस्ट की जो नेक्स्ट डिवाइस है वो काफी प्रीमियम फीचर प्रोवाइड करता है अंडर 10,000 में। यह है लाभा की तरफ से लाभा ब्लेज 2 5G। तो एक एक करके इसके भी सभी फीचर को जान लेते हैं। बात कर लेते हैं इसके लुक के बारे में तो दोस्तों, जैसे देख सकते हो एक बजट डिवाइस है, पर बैक के लुक से लगेगा एक प्रीमियम सा एक डिवाइस है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आपको राउंड शेप पे कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा विद ऑरा लाइट। हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको रिंग लाइट की फीचर भी मिल जाएगा, जो काफी अच्छे एक फीचर होने वाले हैं बजट डिवाइस के हिसाब से। तो दोस्तों, आप बात कर लेते हैं बाकी फीचर के बारे में तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.67 इंचेस का LCD सेंटर कंसोल डिस्प्ले, जो प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक सा है। और प्रोसेसर मिलेगा डायमंड सिटी
6020 5G प्रोसेसर, प्रोसेसर काफी पावरफुल होने वाला है। रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का एक सेंसर भी मिल जाएगा। और दोस्तों बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा। और दोस्तों इसके कुछ हाइलाइटेड फीचर के बारे में फिर से मैं बता दूं, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है ग्लास की बैक, जहाँ पे आपको रिंग लाइट की फीचर भी मिल जाएगा। और दोस्तों 90Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा विद 5V कैमरा। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी मिल जाएगा। और दोस्तों सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे आपको 5000mAh का बैटरी मिलेगा विद 18W की फास्ट चार्जिंग। तो देख सकते हो सभी कुछ फीचर आपको एकदम एक्स्ट्रा लेवल का मिल रहा है, और लुक एंड डिजाइन भी काफी सही है। तो दोस्तों बात करें प्राइस की, तो इसकी जो 4GB प्लस 64GB वेरिएंट है उसकी प्राइस 9999 मतलब 10,000 है। तो दोस्तों यही था टॉप 3 बेस्ट 5G स्मार्टफोन अंडर 10,000। तो वीडियो अच्छी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।